Another important aspect which is uh, very uh, carefully need to be discussed is competence. Boundaries of professional competence is very important to identify and need to be discussed. It is impossible for psychologists to be competent in all the areas. They may be competent in one field, they may not be competent in another one. it's expertise to him, speech therapy. लेकिन उसकी मेरिटल थेरेपी के ऊपर एक्सपर्टीज ना हो सो वी नीड टू सी दैट विच क्लाइंट नीड टू बी यू नो एलोकेटेड टू विच इंडिविजुअल और किसको रेफर करना चाहिए एंड इन फैक्ट इज इट इज़ अनएथिकल टू अटेम्प टू पोर्ट्रे दम सेल्व एट सच कि वो uh, सभी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं तो अ साइकोलॉजिस्ट कुड नॉट बी ट्रेन इन साइकोडानामिक थेरेपी इन बिहेवियर थेरेपी इन ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एंड इन एनी अदर यू नो फील्ड ऑफ थेरापूटिक इंटरवेंशन किसी एक पर एन uh, एल पे किसी की एक्सपर्टीज़ हो सकती हैं किसी की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो मे बी uh, किसी और एरिया में हो सकती हैं सो दिस नीड टू बी केयरफुली एवेल्यूएटेड इफ़ अ साइकोलॉजिस्ट फील दैट ही हैज़ नॉट बीन ट्रेन टू इंश्योर कंपिटेंट इन स्पेसिफिक एरियाज टू ट्रीट अ क्लाइंट फॉर इंस्टेंस लाइक उसको लगता है कि उसके पास अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा आया है जिसको कोई ए डी एच डी असेसमेंट के साथ और वो उसको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकता या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के ऑडोलिस को वो एड्रेस नहीं कर सकता तो ईश और शी शुड मेक अप्रोप्रिएट रेफरल एथिकल स्टैंडर्ड से दैट अप्रोप्रिएट रेफरल वेन ट्रूली नीडिड आर मोर रिस्पेक्टेड रादर देन आप किसी भी क्लाइंट को जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ मनी या जस्ट फॉर द सेक ऑफ फी या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इवन एक्सपेरिमेंटेशन कोई भी ट्रीटमेंट uh, या काउंसलिंग या थेरेपी देना स्टार्ट करते हैं प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एमरजेंसीज दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जैसे हम देखते हैं कि uh, की सिचुएशन में uh, कोई नेचुरल डिसास्टर की सिचुएशन में या किसी भी किस्म की कोई वायलेंस की सिचुएशन में uh, जिसे हम एमरजेंसी डिक्लेयर uh, कर देते हैं तो वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है वो भी एट टाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाता है In emergencies, psychologists may provide services to the individuals for whom other mental health services are not available and for which psychologists have not obtained the necessary training but should be discontinued as soon as possible uh, and uh, as soon as the other appropriate services are available. For instance, when a uh, pandemic ki situation is to health psychologists need to emerge. Hui. तो बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनकी डिप्रेशन और एग्जाइटी के सिम्टम्स को देखते हुए उनकी काउंसलिंग जो थे वो उनको दे रहे थे बट rather द बेटर अंडरस्टैंडिंग could be developed बाय द हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो उनको वैक्सीनेशन के हवाले से ब्रीफिंग अबाउट कोविड अबाउट हाउ टू डील विद देयर डेली केयर अबाउट देयर डाइट अबाउट प्रिकॉशन विद अ पर्सन हु हैज़ दैट कंटेमिनेशन या वायरस तो उससे कैसे अपने आप को दूर रखना है सो यू नो इन डिफरेंट सिचुएशनस डिफरेंट पीपल नीड टू बी वर्क और जब हमें एमरजेंसी आती है और उसके एक्सपर्ट्स नहीं होते तो फॉर द ब्रीफ टाइम पीरियड तो कोई उनको uh, ये असमेंट uh, या थेरेपी या हेल्प प्रोवाइड कर सकता है बट नॉट इन अ लॉन्गर रन एज सुन एज इट्स पॉसिबल दिस नीड टू भी डिसकंटिन्यूड दैन मैंटेनिंग कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस मैंटेन रखने का कोई की नहीं है एक्सेप्ट ये कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुड भी कीप ऑन गोइंग जितनी ज़्यादा एजुकेशन जितना ज़्यादा नॉलेज जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक इंडिविजुअल गेन करता है उस वो अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मेंटेन रख सकता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टेंस से कि डी एस एम फोर का जब एक न्यू रिवाइज वर्जन आता है डी एस एम फोर डी एस एम फोर टी आर एन डी एस एम फाइव अब उसमें क्या चेंजेज़ आ रही हैं अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं तो यू नीड टू अपग्रेड योर नॉलेज कंसिस्टेंटली टू डे मेन प्रोफेशनली कम्पिटेंट अगर कोई डी एस एम फोर टी आर का कम्पिटेंट है और उसने डी एस एम फाइव को अंडरस्टैंड नहीं किया दैट अब हम जी एफ को फॉलो नहीं करें अब हम और बहुत सारे डिसऑर्डर्स uh, को डिफरेंट क्लस्टर्स में देख रहे हैं या इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं या न्यू एडिशन क्या हैं तो प्रोफेशनल कंपिटेंस को इंक्रीज करने के लिए अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैन बेसिस फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट साइकोलॉजिस्ट वर्क इज़ बेस्ड अपॉन इस्टेब्लिश साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ दैट डिसिप्लिन और उसके लिए कॉन्टीन्यूज जो है वो आ, अपना डिफरेंट जो सोसाइटी के अंदर नई रिसर्च आ रही है जो अक्रॉस द वर्ल्ड लोग डिफरेंट तरह की एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं उसके लिए रिसेंट ब्लॉग्स को पढ़ना अपडेटेड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स को पढ़ना उन तक एक्सेस रखना और देखना कि डिफरेंट जो आ, प्रोफेशनली कंपिटेंट एरिया के लोग हैं वो इंटरनेशनली क्या पब्लिश करे हैं किन डोमेन्स में रिसर्च करें हैं हर एक डेकेड में रिसर्च का लेवल उसकी जो डायनामिक्स हैं उसकी एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं तो उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है देन डेलीगेशन ऑफ वर्क टू अदर इंडिविजल साइकोलॉजिस्ट डेलीगेशन वर्क टू इम्प्लॉयज रिसर्चर्स टीचिंग असिस्टेंट्स एंड अदर शुड ऑथराइज ओनली दोज दोज रिस्पांसिबिलिटी जिनको हमें ये कन्फर्म हो कि इनमें यह कंपिटेंस है कि ये उसको परफॉर्म कर लेंगे लेट्स से किसी असिस्टेंट से कहना कि एक पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग कर लो जबकि वो एक्सपर्ट नहीं है हिस्ट्री टेकिंग करने के लिए दिस इज़ वेरी अनथिकल अगर एक इंडिविजअल मिनीमेंटल स्टेटस एग्जामिन करने के लिए कंपिटेंट नहीं है उसको उसके प्रोटोकॉल्स नहीं पता तो वो एक डिमेंशिया के पेशेंट का अगर मिनीमेंटल स्टेटस कर लेगा तो वो कुछ भी असैस नहीं कर पाएगा तो यू नो दे आर द वेरी फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स कहने को एक सर्वे फॉर्म है जिससे क्वेश्चन पूछ के उसका स्कोर निकालना है लेकिन आदर यू आर गोइंग टू आस्क दैट फ्राम सम इज़ हैविंग अल्जाइमर अ पर्सन हु इज डीलिंग विद पार्किंसन डिजीज आप उससे ये चीज़ें पूछ रहे हैं या आप एक किसी यंग एडल्ट से पूछ रहे हैं जिसको कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है और उसको आप जनरल एग्जाइटी या स्ट्रेस याडामिक स्ट्रेस uh, के लिए आप असेस करें सो so, ये कंपिटेंस को देखना बहुत जरूरी है और उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही आप उन्हें डेलीगेशन ऑफ वर्क जो है वो कर सकते हैं देन पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देन साइकोलॉजिस्ट बिकम अवेयर ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट मे इंटरफेयर विद देयर परफॉर्मेंस दे शुड टेक अप्रोप्रिएट टेकिंग प्रोफेशनल कंसल्टेशन इज इंपॉर्टेंट असिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनट ड्यूटीज

किसी और इंडिविजुअल को थेरेपी देना शायद उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि मे बी वो उसको पिक्चर का वो ब्राइट साइड ना दिखा सके क्योंकि वो उस वक्त उसको खुद भी नज़र नहीं आ रही तो मे बी उस सिचुएशन के अंदर किसी और इंडिविजुअल को असाइन कर देना वो थेरापूटिक असाइनमेंट वुड बी मोर बेनिफिशियल रादर देन वो जितना भी कंपिटेंस क्यों ना हो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसी तरह अगर एक डॉक्टर जो है उसको ख़ुद किसी कंटेजियस डिज़ीज़ के सिम्टम्स हैं तो वो किसी और इंडिविजुअल को किसी और बंदे को ट्रीटमेंट बेहतर है कि ना दे ताकि उसको भी वो सिम्टम्स जो हैं वो एक्वायर ना हो जाएं। सो एट टाइम्स वी नीड टू सी कि वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं वो हमें फ़िज़िकली भी प्रॉब्लम्स नज़र आ सकते हैं कि हमें इन चीज़ों को टेक केयर जो है वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है